सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंटमैन 3 के ट्रेलर के बारे में। सो एंटमैन 3 मार्वल फेज 5 की पहली मूवी होने वाली है और इस मूवी का पहला ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान दिखाया गया था। इस ट्रेलर को मार्वल ने ऑफिशियली ऑनलाइन रिलीज नहीं किया है, पर इस ट्रेलर से रिलेटेड काफी सारे लीक्स इंटरनेट पे आ चुके हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी एंटमैन 3 के टीजर के बारे में सबको जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और एंटमैन 3 के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। सो एंटमैन 3 का ट्रेलर चालू होता है विद स्कॉट लैंग और उसकी ऑटोबायोग्राफी या उसके बुक से। स्कॉट लैंग एंटमैन 3 के अंदर एक बुक राइटर बन गया होगा, जिसने अपने लाइफ के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लुक आउट फॉर द लिटिल गाय। इसके अलावा स्कॉट लैंग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपना एक पॉडकास्ट चैनल भी चालू किया है। एंटमैन 3 के अंदर हमें बताया जाएगा कि एंटमैन की लाइफ कैसे बदली है एवेंजर्स एंडगेम के बाद, और एंटमैन 3 की मूवी के अंदर एंटमैन के कैसे रिलेशंस हैं हो वेंडाइन के साथ और कैसी लैंग के साथ, ये भी एंटमैन 3 की मूवी एक्सप्लोर करेगी। क्योंकि बेसिकली स्कॉट लैंग क्वांटम रियल्म के अंदर 5 साल तक फंसा हुआ था और हो वेंडाइन, जैनेट वेंडाइन और हैंक पिम ये सारे लोग ब्लिप के दौरान गायब हो गए थे, इसलिए उन सबको कैसी लैंग के बारे में काफी कम पता है। और कैसी लैंग एक काफी बड़ी करेक्टर होने वाली है इस मूवी के अंदर, और कैसी लैंग बेसिकली एक सुपर हीरो ही बनेगी एंटमैन 3 के अंदर। कैसी लैंग को एंटमैन 3 के अंदर एक पर्पल कलर का सूट मिलने वाला है, और अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स चले तो कैसी लैंग एंटमैन 3 के अंदर स्टिंग का करेक्टर प्ले करने वाली है। इसके अलावा एंटमैन 3 के ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि एक गलत एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी की पूरी पिम फैमिली क्वांटम रियल्म के अंदर फंस जाती है। और एंटमैन 3 के टीजर के अंदर हमें क्वांटम रियल्म से रिलेटेड काफी सारे सीन्स दिखाए गए, और एंटमैन 3 की मूवी क्वांटम रियल्म के अंदर ही टेक प्लेस करेगी। इसके अलावा एंटमैन 3 का वन ऑफ द विलन्स कैंग द कॉन्करर होने वाला है, और कैंग द कॉन्करर के काफी सारे डायलॉग्स को एंटमैन 3 के टीजर या ट्रेलर में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले डायलॉग में कैंग द कॉन्करर एंटमैन को या स्कॉट लैंग को ये बोलता है कि यू आर एन इंटरेस्टिंग मैन स्कॉट लैंग, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बट टाइम इट इजंट व्हाट यू थिंक, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली कैंग द कॉन्करर एक टाइम ट्रैवलिंग विलन है, और कैंग द कॉन्करर का सुपर पावर ही टाइम को मैनिपुलेट करना है। और क्योंकि बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्वांटम रियल्म के थ्रू ही टाइम ट्रैवल होता है, तो इस मूवी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर क्वांटम रियल्म के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता होगा। एंटमैन 3 से रिलेटेड काफी सारे प्लॉट लीक्स भी इंटरनेट पे आ चुके हैं, और मैंने एंटमैन 3 के प्लॉट लीक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और बटन मिल जाएगा। इसके अलावा एंटमैन 3 के टीजर के अंदर हमें बिल मरी करेक्टर दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली क्वांटम रियल्म के एक किंगडम का राजा होने वाला है, और बिल मरी इस मूवी के अंदर क्राइलर का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा एंटमैन 3 के अंदर एंटमैन 3 का वन ऑफ द मेन विलन्स मॉडॉक भी होने वाला है, और मॉडॉक के करेक्टर को वही एक्टर प्ले कर रहे हैं जिन्होंने येलो जैकेट का रोल प्ले किया था एंटमैन की प्रीवियस मूवीज के अंदर। तो बेसिकली एंटमैन की मूवी का मेन विलन मॉडॉक होने वाला है, पर मॉडॉक को इस मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर कंट्रोल करेगा। कैंग द कॉन्करर को एंटमैन 3 के अंदर आप लास्ट बार नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कैंग द कॉन्करर के ऊपर एक सेपरेट एवेंजर्स की मूवी बनने वाली है, यानी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के ऊपर हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस मिल सके। इसके अलावा एंटमैन 3 का टीजर खत्म होता है विद अ डायलॉग बिटवीन स्कॉट लैंग एंड कैंग द कॉन्करर, जहां पे बेसिकली स्कॉट लैंग अपने आप को एक एवेंजर बताता है, और वो बेसिकली कैंग द कॉन्करर को डराने की कोशिश करता है। तब बेसिकली कैंग द कॉन्करर कूलली ये रिप्लाई करता है कि यू आर अ एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। कैंग द कॉन्करर एक टाइम मैनिपुलेटिंग विलन है, और किसी न किसी प्रीवियस टाइमलाइन के अंदर कैंग द कॉन्करर ने एंटमैन से मुलाकात की होगी और उसने एंटमैन को मारा होगा। सो कैंग द कॉन्करर के भी आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने को मिलने वाले हैं, और एक काउंसिल ऑफ कैंग्स हो सकता है हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने को मिले। सो कैंग द कॉन्करर के ऊपर और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मार्वल फेज 5 के ऊपर, एवेंजर्स के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी आपको एंटमैन 3 का ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। एंटमैन 3 की मूवी क्योंकि फरवरी के महीने में रिलीज होने वाली है, सो एंटमैन 3 का पहला टीजर हो सकता है आपको नवंबर दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाए, यानी कि वकांडा फॉरएवर का रिलीज का आसपास देखने को मिल जाए। वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर भी मार्वल ने रिलीज कर दिया है, जिसके ऊपर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।